इंस्पेक्टर ये वो गवाह है, इन्होंने मेरे क्लाइंट योगेश को उस दिन घर पे देखा था। अच्छा तो ये है। श्रुतिबेन मैं निर्दोष हूं, पर मेरे पास में कोई सबूत नहीं है। आप तो मेरी रिश्तेदार भी नहीं है, लेकिन आपने आज जो मेरे लिए काम किया है वो शायद मेरे अपने भी नहीं करते। प्यार में पढ़कर बेटा ये मत सोचो कि जिंदगी बड़ी हसीन हो जाएगी। हकीकत की जमीन पर जिस दिन कदम रखोगे ना, उस दिन पता चलेगा कि राह में कांटे कितने हैं। हाँ, आपकी एक बात का मान मैं जरूर रखूंगा। आप जो तारीख तय करेंगे मैं उसी दिन सगाई करूंगा, लेकिन सिर्फ श्रुति से। हाँ भाई, माँ से मिलना है। अब मम्मा तो सो रही हैं, आप बोलो तो मैं उठा देती हूँ। नहीं नहीं, सो रही तो ठीक है, बाद में आ जाऊंगा। ध्यान रखना माँ का। हाँ भाई। मम्मा, मुझे पक्का यकीन है कि आप संजय भाई को अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने से जरूर रोक लेंगे। मैं आपके साथ हूं मम्मा। क्या बात है आंटी, आपने मुझे फोन करके यहाँ बुला लिया? घर पर कुछ प्रॉब्लम है क्या? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है श्रुति, इसलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। अब पानी सर से ऊपर चला गया है, और इंसान जब डूबने लगता है ना तो वो कुछ भी करता है, और आज मैं भी यहाँ इस पार नहीं तो उस पार करके जाऊंगी। मैं कुछ समझी नहीं आंटी। समझ तो मैं नहीं पाई तुम्हें श्रुति, कि तुम कितनी बड़ी खिलाड़ी हो। मुझे गरूर था अपने बेटे संजय पर कि वो अपनी माँ की बात को कभी नहीं टालेगा, लेकिन तुम्हारे प्यार ने ऐसा जादू किया है उस पर कि उसने अपनी माँ की खुशी को भी ठोकर मार दी। आज मैंने भावना के परिवार को अपने घर पर बुलाया था, संजय और भावना की सगाई की तारीख भी तय की, लेकिन तुम्हारे प्यार में पागल मेरा बेटा उनके जाते ही मुझसे गुस्सा हो गया। सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि वो श्रुति से प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। यूं हैरान मत हो श्रुति, ये हैरान होने का नाटक बंद कर। ये संजय पर असर करेगा, मुझ पर नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसी बहुत औरतें देखी जो अपनी खुशी और स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। तुम जैसी औरतों की वजह से किसी के घर में क्या आग लगती है, इससे कोई सरोकार नहीं। मेरा बेटा इमोशनल है, दूसरों की तकलीफ को देखकर बहुत जल्दी पिघल जाता है, और इसी बात का फायदा तुमने उठाया है, बखूबी उठाया है। वाह, मानना पड़ेगा, क्या मास्टर प्लानिंग की है तुमने। पति के जाने के बाद अपने आंसू और लाचारी के हथियार से संजय की हमदर्दी हासिल की है तुमने। उसे दूसरों की मदद करके खुशी मिलती है तो तुमने अपने सारे दुख उसके सामने रख दिए ताकि वो सारी जिंदगी तुम्हारी मदद करता रहे, उसे ये लगे कि उसके बगैर तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का बुरा हाल हो जाएगा।
इमोशनली तुमने उसकी सोच को अपाहिज कर दिया है श्रुति। उसकी हमदर्दी को तुम उस लेवल तक ले गए जहां वो इस हमदर्दी को प्यार समझने लगे। वाह वाह श्रुति वाह, कमाल है तुम। दो बड़ी बड़ी बच्चियों की माँ, ऊपर से विधवा, आज भी तुम्हारा चार्म कम नहीं हुआ है श्रुति। ये आप क्या कह रही हैं आंटी, आप गलत समझ रहे। नहीं, गलत तुम कर रही हो श्रुति। हर माँ चाहती है कि उसके बेटे को अच्छे से अच्छी लड़की मिले, ना कि तुम जैसी। आप बहुत ही गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। और तुम मेरे बेटे को इस्तेमाल करो, ये चलता है? ये आप क्या कह रही है? मैंने हमेशा संजय को एक दोस्त की नजर से देखा है। हालात कब बदले, कैसे बदले, मैं नहीं जानती। आप हमारी दोस्ती को गलत नाम ना दे। दोस्ती, बड़ा ही खूबसूरत शब्द ढूंढा है तुमने अपने लिए, अपने किए को छुपाने के लिए। और हमारी संस्कृति में पर पुरुष को भाई समझा जाता है, दोस्त नहीं। मेरे साथ शब्दों का खेल ना ही खेलो तो अच्छा है श्रुति। मुझे पता है तुम्हें संजय से क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत। तुम पैसों के लिए इतनी पागल हो, इतनी पागल हो कि तुम अपनी बच्चियों को भी भूल गई। उनकी भी फिक्र नहीं है तुम्हें कि वो तुमसे क्या सीख लेंगी। अगर जरा सी भी शर्म है ना तो मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चली जाओ। पागल हो तुम पैसों के लिए, कुछ भी कर सकती हो। आप घर से क्या सोच कर आई है, क्यों सोच कर आई है, मैं नहीं जानती। आप मुझे इतने सालों से जानती है पर आज तक आप मुझे पहचान नहीं पाई। आज आपने मेरे बारे में बहुत कुछ गलत कहा, मुझे गलत समझा। मुझे संजय के पैसों से कोई दिलचस्पी नहीं, सो पैसों का रौब अपने पास ही रखना। मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कोई फिल्मी डायलॉग बोलोगी। मेरा अंदाजा सही निकला कि तुम मेरे बेटे का पीछा इतनी जल्दी छोड़ने वाली हो। तो ठीक है श्रुति, तुमसे जो बन पड़े वो कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे घर की बहू बनने के ख्वाब देखना छोड़ दो। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश भी की ना तो मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगी। तब तुम्हें अपने किए पर पछतावा होगा। ये मेरा चैलेंज है तुम्हें। और हाँ, मेरे घर की दहलीज लांगने के लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। भाई, माँ उठी? नहीं, मामा तो अभी तक सो रही हैं। अच्छा, एक बार मिलना है। अरे वो सो रही है ना, जब उठ जाएंगे तब मिल लीजिएगा। सो रही है तो एक बार सिर्फ देखना चाहता हूँ मैं माँ को, हटो। भाई क्या देखना है, सोई तो रही है तो। प्रॉब्लम क्या है रिधि? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट कंसर्न, मुझे फिक्र है ना उनकी, एक बार देखना चाहता हूँ। प्रॉब्लम भाई सुनिए, भाई मेरी बात तो सुनिए भाई। क्या हो रहा है आपको, पानी लाऊं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं थोड़ी देर पहले आया था आपसे मिलने, लेकिन मैं जानता हूं सोने का बहाना करके आपने मुझे अवॉइड किया, राइट? हाँ भाई, वो माँ ने मुझसे कहा था कि उन्हें आपसे नहीं मिलना, इसलिए मैंने आपसे बोला कि वो सो रही है। तुम भी तो वही कर रहे हो ना। हाँ, मैं आपसे सॉरी कहने आया था, मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता था, सच। लेकिन
आप मेरी बात समझती क्यों नहीं है माँ? एक बार मेरी नजर ऐसी चीजों को देखकर तो देखिए, हमें एक ही जिंदगी मिलती है और उसमें से आधी जिंदगी किसी और के साथ बितानी होती, पर उसमें भी मैं किसी ऐसे इंसान से शादी करूं जिसे मैं जानता नहीं, प्यार नहीं करता हूं, चाहता नहीं हूं, क्या मतलब है? क्या मतलब है ऐसी शादी का? श्रुति को मैं बरसों से जानता हूं, वो भी मुझे जानती है, समझती है, मैं उसे समझता हूं। और एक शादी के लिए तो यही चाहिए ना कि लड़का और लड़की एक दूसरे को ठीक से समझे। संजय, वो लड़की नहीं, औरत है, दो बड़ी बड़ी बच्चियों की माँ है, उसका पति नहीं है। अब फिर वही बात, मैं जानता हूँ एक जमाने में ऐसी सोच थी कि जिस लड़की की शादी हो जाए और उसका पति मर जाए तो उसके बाद, हाँ ये सब पुराने ख्यालात हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, वैसे ही सोचेंगे तो क्या मतलब है इस तरह जीने का? माँ, आई होप आप मेरी बात समझ रही हैं, और अगर नहीं भी समझ रही हैं तो 100 बात की एक बात, मैं श्रुति से प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। मैं जानता हूं आपको मुझ पर गुस्सा आ रहा है, आप बात भी करना नहीं चाहती मुझसे, कि मैं आपका बेटा हूं ना, मेरी बात एक बार मान के तो देखिए आप। श्रुति भी एक अच्छी लड़की है, वो भी जब आपके घर में आपकी बहू बनकर आएगी तो आपको गर्व होगा उस पर, उसके बारे में भी आप वही कहेंगे जो आप भाभी के बारे में कहती, बहू वो तो ऐसी हो। सच माँ? ठीक है माँ, मैं और ज्यादा नहीं कहूंगा, आपको जो सोचना है जो करना है कीजिए, मुझे जो करना है वो मैं करूंगा, आखिर आपका बेटा हूं, आप ही की तरह जिद्दी हूं। Happy New Year. Happy New Year. अमी, कहाँ है अमी? खुशबू, अमी, बा, अरे Happy New Year, कहाँ है सब के सब? दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन हाय हाय, ये बेशरम संजय जब भी देखो मुंह उठाकर चला आता है। जस्सू बहन, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ पक्की है। सबके सब कहाँ हैं? घर पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है? घर पर कोई है नहीं, बा मंदिर चली गई है और आमी और खुशबू किसी फ्रेंड के यहाँ चले गए। I see. चलो अच्छा है, तुमसे वैसे भी कुछ अकेले में बात करनी थी हमारे फ्यूचर के बारे में। मैं तुमसे श्रुति माने अल्टीमेटम दे दिया है, कहा है मुझे सोमवार को सगाई करनी होगी, मैंने भी कह दिया। ठीक है माँ, तुम जब कहो मैं सगाई करने को तैयार हूं, लेकिन उस लड़की से जिसे मैं प्यार करता हूं। तुम जानती हो कि मेरी पसंद क्या है, और एक्चुअली मैं भी जानता हूं कि मन ही मन में तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए वही फीलिंग्स हैं, जानता हूं मैं।
लफ्जों से भले ना कहो लेकिन तुम्हारी आंखें, तुम्हारी खामोशी सब कुछ कह देती हैं। सच तुम भी एक बार कह दो ना मुझसे कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, शादी करना चाहती हो मुझसे। बकवास बंद करो, पागल हो गए हो तुम। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूं और अब भी यही कह रही हूं कि ना मैंने तुमसे कभी प्यार किया है और ना ही कर पाऊंगी। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और मेरे बेस्ट फ्रेंड रहोगे, इस बात को तुम क्यों नहीं समझ रहे? झूठ बोल रही हो तुम। झूठ बोल रही हो तुम। तुम अपने मन को झूठी तसल्ली दे रहे हो। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, सच्चाई यही है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। सॉरी श्रुति, मुझे होश ही नहीं रहा मैं क्या कर रहा था। सॉरी, सॉरी श्रुति, मुझे समझ नहीं आया। मैं तुमसे जो कहने जा रही हूं संजय, उसे समझने की कोशिश करो। मैं जानती हूं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मैं तुम्हारे फीलिंग्स की, तुम्हारे प्यार की बहुत इज्जत करती हूं, बहुत कदर करती हूं। पर तुम्हारा ये मानना कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, ये तुम्हारी गलतफहमी है। उस दिन तुमने अपने प्यार का इजहार किया, मैं तुमसे बहुत रूडली पेश आई, मुझे इस बर्ताव पे बहुत अफसोस हुआ, पर वो प्यार नहीं था। तुम उसे प्यार समझ बैठे। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो उस इंसान की हर बात, उसके बर्ताव में हम एक ही सवाल का जवाब ढूंढते हैं, क्या वो इंसान हमसे प्यार करता है या नहीं। तुम्हारे साथ ऐसा ही हुआ, पर मेरे साथ नहीं संजय। तुमसे सच कहूं मैं, जिस लड़की से तुम प्यार करोगे वो लड़की दुनिया की सबसे लकी लड़की होगी कि उसे तुम जैसा जीवन साथी मिला। मेरे मामले में ऐसा नहीं है संजय, मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया और ना ही कर पाऊंगी। तुम मेरे सिर्फ बेस्ट फ्रेंड हो और यही रिश्ता हम में बन सकता है। अगर तुम वो सारे सपने भुला दो तो ये तुम समाज के दबाव में आके कह रही हो या कोई और वजह है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है? नहीं, नहीं।
ऐसा कुछ नहीं है। तुम जो कह रही हो मैं वो समझ पा रहा हूं श्रुति, लेकिन यकीन नहीं हो रहा तुम्हारी बातों पर। खोखले लग रहे हैं तुम्हारे अल्फाज। मैंने जो कहा वही सच है। मेरी ना का मतलब ना ही है। प्लीज संजय, इस बात को अभी इसी वक्त खत्म कर दो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ संजय, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। माँ, कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि हम सबको खुश देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है कि सब नाराज हो जाते हैं। जिंदगी ही ऐसी है बेटा, मेरे साथ भी कुछ ऐसा है। मैं तुझे खुशी देना चाहती हूँ और तू मुझसे नाराज हो गया। I'm sorry, माँ, मैंने आपका दिल दुखाया, आपको नाराज किया। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। जो तीर मैंने श्रुति पर चलाया है लगता है वो सही निशाने पर लगा है। अब मेरा बेटा मेरे पास वापिस आ गया है। तू हमारे दर्द की फिक्र मत कर बेटा, लेकिन अगर तू सबके चेहरों पर खुशी देखना चाहते हैं ना तो ये हो सकता है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है बेटा, सबके चेहरे पर खुशी आ सकती है अगर तू भावना के साथ सगाई के लिए हाँ कह दे। एक बार अपनी माँ पर भरोसा करके देख, तुझे कोई चोट नहीं पहुंचाएगा मेरे बेटे। सोच नहीं पा रहा हूं सही।
गलत, कुछ सोच नहीं रहा है। सही गलत सोचने के लिए मैं हूं ना, मैं तेरा भला ही चाहूंगी बेटा। बस एक बार भावना के लिए हाँ कह दे। मुझसे कुछ मत पूछो माँ, जो करना है कर लो। कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। इसे कहते एक तीर दो निशाना। इस बार की दिवाली तो लगी ही नहीं दिवाली जैसी। क्यों? अरे कोई धमाकेदार न्यूज ही नहीं थी, ना देश में, ना घर में, ना ऑफिस में। अरे दिवाली के दिनों में कुछ तो धमाकेदार होना चाहिए कि नहीं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हे संजय, नया साल मुबारक है। साल मुबारक। क्या बात है यार, बड़े चुप चुप लग रहे। कुछ हुआ है क्या? हुआ है ना संजय भाई, की जिंदगी में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। ऐसा क्या हुआ है? संजय भाई शहीदी की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ गए। मतलब? मतलब ये संजय भाई की सगाई होने वाली है। रियली ग्रेट यार, कांग्रेस संजय। अरे क्या हुआ यहाँ पे? संजय सर की सगाई तय हो गई है। कांग्रेचुलेशंस सर। थैंक यू। तो फाइनली बकरा शहीद होने जा रहा है। इसीलिए माँ जी ने आप सबके लिए मिठाई भेजी है। नए साल की पहली खुशखबरी के साथ सब मुंह मीठा कीजिए। थैंक यू। आई विल सी यू लिटिल लेटर। ओके सी यू। नया साल मुबारक हो। बाहर सब खुशियां मना रहे हैं, मुझे कंग्रेचुलेट कर रहे थे, सब कह रहे थे संजय सर की सगाई हो रही है फाइनली, कितनी खुशी की बात है। लेकिन मुझे लगता है उन्हें तुम्हें कंग्रेचुलेशंस कहना चाहिए, क्योंकि सगाई तो मेरी हो रही है लेकिन छुटकारा तुम्हें मिल रहा है श्रुति। मुझे गलत समझ रहे हो संजय, तुमने हमेशा ही मुझे गलत समझा है। मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था, मेरी बात था। थैंक यू सो मच। थैंक्स श्रुति। भले मेरे प्यार को ना समझ पाई, कम से कम मेरी चोट तो दिख गई तुम्हें। वैसे देखा जाए तो गलती तुम्हारी भी नहीं है,
तुमने हर्ष को चाहा और वो तुम्हें मिल गया, तो तुम्हें कैसे पता होगा कि क्या होता है ये एहसास, ये दर्द, जब तुम किसी से प्यार करो, वो भी तुमसे प्यार करे, लेकिन बिना किसी वजह के उस प्यार से मुकर जाए, तुम्हें कैसे पता होगा ये एहसास श्रुति? चलो ठीक है, कम से कम एक फेवर कर दोगी मुझ पर? मेरी सगाई के दिन मेरे घर आ जाना प्लीज, प्लीज श्रुति। नहीं, मैं जानता हूं कि बहुत तकलीफ होगी तुम्हें, लेकिन इतना कर लेना अपने दोस्त के लिए। क्या है ना, मैं चाहता हूं उस दिन तुम मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, क्योंकि जब मैं क्या नाम है लड़की का भावना उसे अंगूठी पहना रहा हूंगा ना, बहुत बहुत दर्द हो रहा होगा मुझे, घुटन हो रही होगी मुझे। मैं चाहता हूं कि ऐसे वक्त में मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरी श्रुति मेरे साथ रहे, मुझे मुझे तो जो दर्द हो रहा होगा उसका एहसास वो मेरे साथ बांटे हैं। इसे फेवर नहीं, एक दोस्ती का तोहफा समझ के दे देना। मत, मैंने तुम लोगों को कितना मिस किया। बाय द वे, हेतल की बच्ची तू, वरुण, ऋषि, अर्चना, तुम लोग मेरे घर पे क्यों नहीं आए दिवाली के दिन? बस बाकी कुछ नहीं, एंजॉय कर रही हूं दिवाली वेकेशन। कम से कम होमवर्क तो नहीं करना पड़ता ना। अच्छा हेतल, मैं तुझे बाद में फोन करती हूं, डोर पे कोई आया है। मैं देखता हूं। कौन है? जी कुरियर है आपका। अच्छा, साइन कर दीजिए। अरे कौन है? कुरियर वाला है। अच्छा है, उससे कह के तुझे भी कहीं पार्सल कर दे, मुड्डा खुसट। मुझसे पीछा छूट जाए, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है आपकी। ये देखो, ये दो चीजें दे गया है वो। गिफ्ट, गिफ्ट। दिखा, दिखा। मैं खोलूंगी, मैं खोलूंगी, मैं खोलूंगी, मैं खोलूंगी, मैं खोलूंगी। हाँ ठीक है। अरे अरे, देख तो ले के किसके नाम का है। पता चला सारा डब्बा खाली कर दिया और निकला पड़ोसी के नाम का। नहीं नहीं, ये अपने नाम का ही है। देखिए कार्ड के ऊपर श्रुति बन का नाम लिखा हुआ है। कार्ड दिखाओ। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मेहता परिवार सहर्ष आप सबको निमंत्रित करता है हमारे बेटे संजय की सगाई। संजय की सगाई? मतलब संजय अंकल की सगाई हो रही है? हाँ? ये तो बताओ लड़की का नाम बोल रही हूँ ना। दो ना? आ, देखती हूँ। नाम है भावना सोमानी। भावना? भावना? क्या कहा तुमने? अरे वो संजय अंकल की सगाई का न्योता आया है, उनकी फ्रेंड है ना भावना, उनसे सगाई हो रही है। संजय से ये उम्मीद नहीं थी।
अरे कुमकुम, अचानक तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? मम्मी, श्रुति इतनी जल्दी ऑफिस से आ गई, सब ठीक तो है? मेरे सिर में दर्द है बा, इसीलिए मैं ऑफिस से जल्दी आ गई। मम्मा, आपके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। मम्मा सुनिए ना दीदी, जब किसी का सर दर्द होता है ना, चाहे उसे 10 करोड़ रुपए भी दे दो वो नहीं लेते। पर संजय अंकल की सगाई से बढ़ के। अम्मी अभी नहीं, मैं श्रुति को देख कर आती हूँ। क्यों किया संजय ने ऐसा? दिवाली की रात जब तुम्हारे लिए फूल लेके आया था, तब तो कहा था उसने बहुत प्यार करता है तुमसे, भरोसा दिलाया था कि शादी करेगा तुमसे, हमेशा खुश रखेगा तुम्हें, तो फिर ये अचानक भावना के साथ सगाई का कार्ड। अगर ये मजाक किया है उसने तो बहुत भद्दा मजाक है। मम्मी, संजय को कोसने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करूं, क्या करूं? किसी की उम्मीदें इस तरह से जगाना और फिर उन्हें चूर चूर कर देना, क्या सही काम है? कुसूर उसका नहीं, कुसूर तुम्हारा है। क्यों ऐसी उम्मीदें बांधती हो जो कभी पूरी नहीं हो सकती? संजय ने जो भी फैसला लिया है ना, बिल्कुल बिल्कुल सही फैसला लिया है। और ये फैसला लेने के लिए मैंने संजय को मनाया है। तुमने? हाँ मैंने। संजय की सगाई होते ही मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उठ जाएगा। बोझ के नाम से ही सही, तुमने ये बात तो कबूल की कि तुम्हारे दिल में संजय के लिए प्यार है। और श्रुति, अगर ऐसा है तो तुमने ऐसा फैसला क्यों लिया जिससे एक नहीं तीन तीन जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं? इसके आगे न तुम खुश रह सकती हो, ना संजय, ना भावना। मम्मी, जब गुत्थी बहुत उलझ जाती है ना, तो उसे सुलझाने के लिए धागे को काटना पड़ता है। संजय और मेरा रिश्ता तोड़ना यही सही फैसला था। किस्मत ने तो संजय का प्यार लिखा था तुम्हारे हिस्से, क्यों नहीं अपनाया उसे? तुम्हारी खुशियां, अमी और खुशबू का भविष्य, तुम्हारा परिवार दोबारा बसते देखने की मेरी इच्छा, इस सब पर तो किस्मत ने मंजूरी की मोहर लगा दी थी। फिर उसे अपनाने के बजाय क्यों पूरे परिवार की किस्मत बदल दी तुमने? जवाब दो श्रुति, दो जवाब। तुम जवाब दे नहीं सकती क्योंकि तुम्हारे पास कोई जवाब है ही नहीं। किस्मत का तो सिर्फ बहाना था श्रुति, मैं जानती हूं तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो, लेकिन ये नहीं जानती कि क्यों कर रही हो। इस फैसले की कीमत किसे कैसे चुकानी पड़ेगी ये तो अब सगाई के वक्त ही पता चलेगा। नहीं पता चलेगा, क्योंकि मैं सगाई में जाऊंगी ही नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर संजय। थैंक यू मिस्टर ग्रोवर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत मुबारक अंकल। थैंक यू यस। ए संजय, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू भाई। हमारी होने वाली भाभी का
वो वहां है। ओहो, अभी से नजर नहीं हट रही है सांवरे बलम से। बस इसी तरह अपनी नजरों से ना सारी जिंदगी मेरे बेटे को बांधे रखना। चलिए अब सगाई की रस्म शुरू करते। यश भाई अंगूठी दीजिए ना। ले बेटा। जब मैं भावना को अंगूठी पहना रहा हूंगा मुझे बहुत तकलीफ हो रही होगी। मैं देखना चाहता हूँ कि अश्रुति को भी उतनी ही तकलीफ हो रही है या नहीं। अगर वो भी तकलीफ में है इसका मतलब वो मुझसे प्यार करती है। अंगूठी पहनाओ उसे। संजय भाई अंगूठी पहनाइए ना। इंतजार किस बात का है। अरे भाई क्या हो रहा। देखो श्रुति एक बात गांठ बांध लो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और अब भी कहती हूं इस घर की बहू बनने के ख्वाब देखना छोड़ दो। अगर तुम इस घर की बहू बनकर आई तो मेरी लाश पर से गुजरना होगा तुम्हें।